बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा को चुड़ैल किसने बोला था जानते हैं। सदाबहार खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा अपने बेबाक बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रही। हमेशा की तरह खालिश मर्द वाली और पाखंडी रवैया अपनाते हुए फिल्म इंडस्ट्री ने अकेले अभिनेत्री रेखा के ऊपर तोहमतें लगानी शुरू कर दी, जबकि उनके प्रेमियों के बारे में आमतौर पर कुछ नहीं कहा जाता था। रेखा ने जैसे ठान लिया था कि वो जो भी कहेगी बिंदास कहेगी, लेकिन उनके इन्हीं बयानों की वजह से उनकी ऐसी इमेज बन गई जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। उसी दौर में नामी एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने साल 1977 में रेखा के लिए कहा था, वो मर्दों को ऐसे संकेत देती थी जैसे वो आसानी से उपलब्ध हो सकती है, कुछ लोगों की नज़र में वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है।